नॉर्मन विंसेंट पियर, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बड़े ऑथर, जिन्होंने एक बेहतरीन बुक लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उनका कहना था कि आप अगर कोई एग्जाम देके आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कहा था कि बच्चों अगर आप कोई एग्जाम देके आते हैं तो आपको पता है आपका रिजल्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर रिजल्ट सिर्फ 50% ही डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम में क्या लिखा है, 50% इनफैक्ट मेजॉरिटी रिजल्ट डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि एग्जाम देने के बाद आपका माइंडसेट क्या है। सो कल CSEET का रिजल्ट है, कल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो 12th का एग्जाम पास करके CSEET का एग्जाम जिन्होंने दिया था कल उनका रिजल्ट आएगा, ऐसी घोषणा हमारी ICSI माननीय ICSI ने की है, 2 बजे रिजल्ट आएगा। तो मैं चाहता हूं आज का दिन अपन कैसे जिए। देखिए सबसे पहली चीज ये है, हमेशा मैं कहूंगा कि एक रिजल्ट जो है ना वो कभी भी डिसाइड नहीं करता कि आप जिंदगी में कैसा या कितना अचीव करते हैं। विराट कोहली जो शुरू के 3 रणजी के मैच थे उसमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, अगर वो ये चीज मान लेते तो आज हमारे देश को इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं मिल पाता। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव हार चुके थे, अगर आपको याद हो, अगर वो पहली हार में निराश हो जाते तो हमारे देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल पाता। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, उन्होंने कहा कि मैं जीत चुका हूं, भले वो हार गए। माइंडसेट आप देखिए, जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, जो लोग जिंदगी में प्रगति के नए शिखरों पे चढ़ते हैं, उनके बीच में कॉमन क्या है, उनका माइंडसेट। मैं यही चाहूंगा कि भले रिजल्ट कल है, जैसा भी बच्चों, अब रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमने जो पेपर देना था हमने पेपर दे दिया, अब हमारे कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में हमारे विचार। एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा हमको नहीं पता, बट मैं चाहता हूं कि कल दोपहर के 2 बजे तक जितने भी स्टूडेंट्स ने CSEET का पेपर दिया है वो स्टूडेंट सिर्फ अपने दिमाग में एक ही माइंडसेट रखें, और उनको हर एक घंटे एक जंप मारनी है, यस 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 मैं एग्जाम पास हो चुका हूं। बच्चों रिजल्ट जो भी है, आपको लग रहा होगा कि दुष्यंत सर यार क्या पागलपन कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, एक बार मेरा तरीका, आपका पेपर खराब गया ना, आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, जिन लोगों को लग रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी टेक्निक आप यूज करके देखिए, आप बेशक पास हो जाएंगे। बस माइंड, बच्चों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है ना इस चीज के बारे में, मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूं, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग कह चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सो प्लीज 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 आज कम से कम एक घंटे, हर घंटे बिल्कुल अपना माइंडसेट, अपने आप को देखिए कि आप पास हो चुके। मेरे ऊपर यकीन ना कीजिए, नॉर्मन विंसेंट पीएल के ऊपर तो यकीन कीजिए, वो कहते थे कि 50% रिजल्ट आपका डिपेंड करता है कि एग्जाम देने के बाद आपका माइंडसेट क्या है। सो बी विथ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, एकदम पॉजिटिविटी बहनी चाहिए आपसे बच्चों। आप पास होंगे, क्या आप कन्विंस्ड हैं इस चीज से? ICSI तो बाद में कन्विंस्ड होगी, क्या आप इस चीज से कन्विंस्ड हैं कि आप पास होने वाले हैं? अगर आप कन्विंस्ड हैं, कोई माइक का लाल आपको फेल नहीं कर सकता। बच्चों बेस्ट ऑफ लक, पूरी शुभकामनाएं मैं देता हूं आपको, अपनी बेस्ट विशेस देता हूं, मेरे पार्टनर सुभान सर की बेस्ट विशेस देता हूं, हम जितने भी टीचर्स हैं CSEET वाले, हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है, आप सब पास होने वाले हैं, रिजल्ट बेहतरीन आने वाला है, ICSI वुड गिव अ वेरी गुड रिजल्ट, और ICSI की भी हमको तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने इतने क्रांतिकारी तरीके से एग्जाम लिए और इतनी जल्दी बहुत कम समय में वो रिजल्ट की घोषणा कर रहे हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखें, आप सब पास होने वाले हैं, टेक माय वर्ड्स बच्चों, आप पास होने वाले हैं, आप पास होने वाले हैं, उल्टा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई रैंक की घोषणा नहीं करेगी ICSI, बट मार्क्स आपको बताए जाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक और आप सब पास होने वाले। थैंक यू सो मच।